संतु, क्यों इतना लेट है? आज खो खो खेले तुझे पता है ना, तू हमेशा लेट आता है। हाँ। तुझे तो जाना चाहिए था ना। ए, तुझे छोड़ के मैं कभी क्लास गई हूँ क्या? बचपन से ही मैं तेरे साथ ही जाती हूँ। ठीक है चल, लेट हो रहा है। होना, मुंडी नीचे करके क्यों खड़ा है? तेरा पैसा कहाँ है? मालिक, इतने पैसे में तो परिवार नहीं चलता, आपको कहाँ से दे? तूने नहीं दिए, तिम्मा ने नहीं दिए। तुम लोगों को जमीन दी इसलिए ऐसे कर रहे हो ना? मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सविता जी। भैया, स्कूल से अभी आई क्या? हाँ भैया। ठीक है, अंदर जा। अच्छा, ये क्या हाल बना लिया? जवान लड़कियाँ कैसी रहती है पता नहीं क्या तुझे? छोटे बच्चे की तरह यूनिफॉर्म गंदा करके कहाँ से आई है? भाभी, आज स्कूल में खोखो का खेल था। भाभी, तुम भी चिल्लाती ही रहती हो। कितनी गंदी लग रही है पता है? जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज कर ले। क्या मैडम, तुम्हारा पति घर पे है क्या? वो अभी अभी घर से बाहर गए हैं। देखो मैडम, तुम्हारा पति बॉटल का ढक्कन खोल रहा है। लोकल पब्लिक कंप्लेंट कर रही है, कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं। इधर देखिए, सबका कारण रुद्रिया है, तुम्हारा पति। उसको क्लियर करके बोल और अच्छे से जीने के लिए बोल, क्योंकि सारे ऑफिसर्स मेरे जैसे अच्छे नहीं होते। भाई, एक्साइज वालों ने आपके घर पे छापा मारा है। सब बॉटल का रखिए। खेत वाले घर के ऊपर रखे आया हूँ। चल ठीक है, बैठ। भाई रुद्र आ रहा है। आने देना, आज उसकी कहानी खत्म कर देंगे। इस मोहन से पंगा लोगे तो क्या अंजाम होगा, ये समझ में आ गया ना रुद्रा? वो क्या है मोहन, मैं रुद्रा कैसे बना ये तू नहीं जानता। अभी जो मैं धंधा कर रहा हूं ना, उसमें तू नया है और मैं पुराना खिलाड़ी हूं। ये देवराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ये सब कुछ इसी इंसान की बातों में आके कर रहा है ना। तू जो कर सकता है वो कर ले। मैं क्या कर सकता हूं ये तुझे पता चलेगा। बचाओ, बचाओ सविता, सविता गिर गई यार, बचाओ इसे। संतु संभल के, संतु, अरे देख के। ध्यान से। संतू, कैसा है तू? ठीक हूँ मां। अरे रे रे, क्या हो गया है तुझे आजकल? 100 बार बोला तुझसे ये सब नहीं चाहिए, पर मेरी बात सुनता कौन है? एक ही लड़का है, अच्छे से पढ़ा कर काम पे लगाना चाहिए, किसी अच्छी जगह पर नौकरी पर लगाना चाहिए। ये पकड़। हे भगवान,
कितनी बेरहमी से मारा है। मम्मी तू रो मत, भाई तो पहले से ही दुखी है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दो प्लीज। क्या आप भी बच्चों जैसे रो रहे हैं? गुस्से में आके दो चार बातें बोल दी मैंने। नहीं शारदा, गलत काम करने वाला तो मैं हूं, मुझे ही अंदर जाना चाहिए था। मैंने जो गलत काम किए उसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। आज पता चला बच्चों को माँ बाप की कितनी जरूरत होती है। मुझे लगता था जिंदा रहने के लिए पैसा ही सब कुछ है। भगवान ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाइए सब कुछ। साइना तू पढ़ने जा। था यार अब तक। अरे देख देख, अरे देखना क्या यार, लग रही है यार, लग रही कसम है। लग रही है, देख के चल रही है यार। क्या लग रही है यार, 30 मार का। हाँ हाय मंजू। हाय पता नहीं है। ए वेंकी, नागा, बसिया, मंजू मैं हूँ यार, अच्छे हो ना? ए इधर देखना बंद कर, फुल ड्रीम में है क्या? आ? वो सीन में नहीं। वो किधर है? यंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, क्रेजी बॉय जैसा है। संतू क्या? यस हाँ वही। ये बाइक किसकी है? येलो। ए हमारा हीरो आ गया। कैसे हो तुम? अरे मैं हूँ सुमन। छोटी बच्ची थी, यहाँ वहाँ भागती थी, वही है क्या? फुल कलरफुल हो गई है। अच्छा तुम कॉलेज की तरफ जा रहे हो ना? हाँ अरे यार क्या ढूंढ रहे हो तुम? कॉलेज की तरफ जा रहे हो ना? मैं भी आऊं क्या? अरे यार, अरे और हम लोग, और यार हम लोग क्या, तुम लोग भाग गया क्या? थैंक यू, बाय। चलो यार पहुंच ही गए। आ गए, आ गए हम लोग, आ गए। कैसे हो दोस्त? आराम से। हाय संतू। हाय। आज क्लास अटेंड नहीं करोगे क्या? तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है चल। क्या यार तू भी कुछ भी बोलता है, अब देखो बकवास करता रहता है। हाँ यार इसका तो यही है। ए क्या कैसे रहे तू? एक राउंड बोल के गया था, अभी तक बाइक लेके घूम रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, फोकट की गाड़ी लेके स्टाइल मार रहा है, समझा क्या? ला चाबी दे। ये ले, इसकी गाड़ी है ये। चश्मा भी दे मेरा। हाँ ठीक है तो क्या होगा, इसकी गाड़ी नहीं है। क्या बोला मैं तुझे? सही कहा। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं आप सब विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ आपका नया प्रोफेसर नियुक्त होकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरा इस क्लास में आज पहला दिन है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना परिचय दीजिए। सर मेरे पापा कारबेटी सिद्धिलिंगा सर, मेरा गांव कार्यपुर सर, मेरा नाम बसिया सर। रुक, एक बार शुरू हो जाता रुकता ही नहीं है। शांत हो जाइए, पीछे लाइनिंग वाली टी शर्ट आप बोलिए। ए भाई बैठ जाना, हम सब की तरफ से तुझे नमस्कार। साइलेंस, आप बोलिए। सावंतवाड़ी, कुकंदरवाड़ी, नमकवाड़ी, मगनवाड़ी, रामानंद, रामानंद सागर सर। ब्लू शर्ट आप बोलो। सैंडलवुड किंग, हैट्रिक हीरो ने जिस पिक्चर में काम किया है उस पिक्चर का नाम है संता, और वही मेरा नाम है। ए बच्चू
ओवर बिल्डअप नहीं चाहिए। साइलेंस साइलेंस। चाह बैठो ना, दांत निकाल रहे हो। लिसन, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां पहुंच जा रही हो? जल्दी से बताओ क्या लाई हो, मुझे जाना है। क्या यार, बहुत खुश है। चल क्या दिया बताना? अरे वाह, लड्डू दिया है। क्या दिया है? अपने हाथ से खा लेना यार। ए संतु, एक सुंदर सी लड़की एक सुंदर से लड़के के पीछे पीछे क्यों घूमती है, तुझे पता है? कुछ तो चक्कर है। तुम लोगों की आंखों के सामने रहता हूँ, अच्छा ही लगता है क्या? मेरे पापा और उसके भाई सांप और नेवले जैसे लड़ते रहते हैं। अगर उन दोनों ने हम दोनों को साथ देख लिया ना, तो उसके भाई की तो छोड़ो, मेरा बाप ही मुझे काट डालेगा। चल चुपचाप। देखो जी, थोड़ा संभाल के जाके गोडाउन में रखो। चलो ठीक है सर। मैं इतनी रात को इतनी तकलीफ में काम कर रहा हूँ ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रह सके। कर क्या रहा है तेरा बेटा? सो रहा है ना अभी तक? ए जाके उठाओ उसे। इनका हमेशा का ही ऐसा रहता है। संतू संतू, माल आया है, उतार क्या? अरे जाओ ना मम्मी, मुझे नींद आ रही है। बेटा बस 5 मिनट, माल उतार के आके फिर से सो जा। वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं आपके पति, रात में भी नहीं सोने देते। उठ जा बेटा। ए, आंखों में नींद होती है तो काम नहीं होता, मेहनत करके कमाना पड़ता है। सविता हाँ? थोड़ा नाश्ता करके जाओ। कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो भाभी, मैं वहीं खा लूंगी, बाय। खाली पेट कभी नहीं जाते हैं, हमेशा खा के जाते हैं। खाओ ना सविता। सविता थोड़ा खा के जाओ। सविता मुझे लेट हो रहा है भाभी, थोड़ा सा खा लो ना। नहीं खाना, मैं वहीं कुछ खा रही हूं, समझ रही हो ना? बात मानो ना। क्या भाभी, मुझे नहीं चाहिए। चोर, खाना क्यों नहीं खा रही है? समय पे नहीं खाओगी तो तबीयत खराब होगी, पहले खाना खा लो फिर क्लास जाओ। सरोजा देखिए ना, बिना नाश्ता किए खाली पेट ही कॉलेज जा रही है। तुम नाश्ता लेके आओ। सविता मना मत करना, अपने प्यारे भाई के हाथ से 2-4 निवाले तो खा ले। चलो खाओ खाओ। ये हो गया भैया, बस प्लीज। बाय भाभी, बाय बाय। लाइए। नमस्कार भाई। नमस्ते कुमार, आजकल बिजनेस सही चल रहा है ना? टेंशन नहीं है भाई, ऊपर चलें क्या? हाँ चलो चलते हैं। अब बोल कुमार, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस सुपर चल रहा है भाई, पर यदि हम रुद्रा का माल पकड़वा देंगे तो आप राजा और मैं मंत्री। शेर को घास नहीं खिला सकते, हिरन खिलाना पड़ता है। हिरन को तो मैंने दिखाया था, पर उसके घर में रात में मैंने एक चीज और देखी, माल आया था। क्या बात कर रहा है? तूने अपने आंखों से देखा? वो देवराज के हाथ नहीं आ रहा है, आज अगर वो मिल जाता तो रुद्रा की कहानी खत्म हो जाती। मुझे दे। ए, चल हट पागल। स्टूपिड। ए, किधर है ये ईस्टमैन कलर? आई नहीं अभी तक। अगर वो आएगी भी ना तो उसके बाजू में मैं ही बैठूंगा, समझा? मैं बैठने वाला हूँ, परसों ही डिसाइड किया था। बेटा मैं तेरे को 10 पैकेट चिप्स दूंगा, मुझे सपोर्ट कर। भाई मैं बैठने वाला था, परसों डिसाइड किया था। अरे यार सबको मिलेगा, उस साले संतू के आने से पहले पटाके रखना पड़ेगा। ए लिसन, तूने वैंकी बसिया को देखा क्या? नहीं यार मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ मर गए ये लोग।
अरे आ गई वो स्पेंट कलर, चलो सब आ जाओ। हाय संतु, तुम जा रहे हो, मैं भी आती हूँ। हाँ अरे क्या कर रही है, पागल है क्या तुम? हो पागल? हाँ जगह मिल गई। अरे संतु कहाँ था, दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेट हो गया था इसलिए। देख इसको, एक मेंटेन करने के लिए बोला, दो दो मेंटेन कर रहा है, देखा। और अपने हाथ में लोटा। चुपचाप बैठो। और ये लोटा क्या है? तू ही तो एक लोटा है। बोला ये पागल, कभी भी देखो कहाँ देखता रहता है। कुत्ते बंद कर मुँह तेरा। मैंने जैसा बोला वैसा कर जी। हाँ एक मिनट, इसकी औकात है जिसको दिखा देते हैं। ए रुद्रा, तू तो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी नहीं बिताना चाहता है क्या? सारे धंधे छोड़ दे। कभी किसी से डरा नहीं, अब तुझसे डरूंगा क्या? तेरे जैसे कई आए हुए गए, डरना पड़ेगा। अगर नहीं डरा तो डराऊंगा। ये गांव और तुम्हारे धंधे छोड़ के तुम्हें भागने पे मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। करेगा करेगा। ए चमचे, ये सब तेरा ही काम है, मुझे पता है बेटा। एक ना एक दिन तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज हम विजयनगर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। ये विजयनगर के इतिहास को स्थापित करने वाले हरिहर और हक्का बुक्का हैं। ये विजयनगर जाना जाता है श्री कृष्ण देवराय की वजह से। उनके टाइम में विजयनगर बहुत अलग था। उन्होंने विजयनगर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ही तरक्की के रास्ते ढूंढे, समाज में अच्छे कार्य किए। उनकी वजह से आज भी विजयनगर उनको याद करता है। उनके जैसा सेवक दोबारा विजयनगर को नहीं मिला, इसलिए विजयनगर आज भी। क्या हुआ सविता, तबीयत खराब है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं ठीक हूँ। आधे घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के सबको पढ़ा रहा हूँ, कोई पागल चिल्ला रहा है ऐसा समझ के तुम सर नीचे करके सो रही हो। गेट आउट। चलो सब लोग जाओ। लेक्चरर डांटते हैं तो अच्छे के लिए डांटते हैं ना। सविता, यहाँ चुपचाप बैठ के रोने से क्या फायदा? तुम जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हुआ है? क्या हुआ? सुबह तुझे और संतु को साथ में देख के मुझे अभी भी जलन हो रही है। ओ, तो ये बात है क्या? संतु, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त यार, मेरा कोई नहीं है। मुझे कभी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब से तुम मुझे मिले हो तुम मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बन गए हो। उन सबको मैं तुम में देखती हूँ। मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, और जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वो सब भी भूल जाती है। इतनी सब फीलिंग होने के बाद भी मैंने तुम सब लोगों से दूर जाने का डिसीजन लिया है। ये तो क्या बोल रही है सुमन? हाँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरी शादी तुम और तुम्हारे दोस्त लोग मिलके और एकदम धूमधाम से करवाओ, बस इतना ही। मेरी बस इतनी सी ही इच्छा है। प्लीज़, मेरा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूँ। तुम लोगों के सिवाय मेरा कोई नहीं है। उसके लिए क्यों टेंशन ले रही है? हम सभी दोस्त लोग तेरी शादी जो है ना, उसको ना पूरे धूमधाम से करेंगे, ठीक है? बस यही बात हुई। ए सविता, तू संतु से बहुत प्यार करती है, ये मैं जानती हूँ। अरे अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सविता, चल निकलते हैं।
उधर देख संतु। ओके। हम कब से यहाँ खड़े खड़े तेरे इंतजार कर रहे हैं और तू है कि अब आई थी। चल अंदर, जल्दी चलना क्लास में। कितना लेट हो गया, चलो ना। चलना, बाय। अरे चढ़ावे के लिए तो पैसे ही नहीं है यार, क्या करूं। हे भगवान जी माफ कर देना। अरे चलो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। ए सविता, धूप बत्ती जला दे और दिया जला दे, आंख बंद करके भगवान से जो मांगेगी वो मिलेगा तुझे। तो पहला पीरियड ही सोडे वाले का है, सुबह सुबह ही उसका रहता है। नहीं बोलने के बाद भी सारा लेके जाता है। सुनना बसिया, आज पिक्चर चलते हैं ना? हाँ चलते हैं ना, सब लोग चलते हैं। क्या बोलता संतु? हाय संतु। हाँ हाय। इस पागल को देखो, इसे मुझे घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये लो मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड, तुम सभी को एक साथ आना है एक ही टाइम पे, समझ गए? आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे। बाय। जोर का झटका धीरे से लगा क्या? सही बोला। बाय। चलो चलो चल यार, चलो बहुत देर हो गई यार, चलना बैठ। कुछ भी बोलता है। किधर गई, आई नहीं अभी तक। ए, 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 संतु, कहां जा रहा? तुम चलो, मैं आ जा रहा हूं। अरे बाय। यस, आज तो इतनी देर हो गई फिर भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या माज रहा है। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गए? किसका वेट कर रहे हो? क्यों, तुम कॉलेज नहीं जा रही क्या? जाना तो है, वो घर पे मेहमान आ गए थे ना, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा तुम्हें कॉलेज ही जाना है ना? वो ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं तो चली कॉलेज। ओके। ए रुको, मैं भी चलता हूँ। साथ में चलते हैं। ये क्या, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। संतो, तुम से प्यार करते हो ना, आई लव यू बोल दो ना। बात तो वही है, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पापा। क्या हुआ? बाप रे, बच गया मैं। पापा के हाथ लग जाता तो गड़बड़ी हो जाती, मैं तो गया था आज। संतु, तुम अपने पापा से इतना डरते क्यों हो? क्यों नहीं डरूंगा यार, पता नहीं कौन से टाइम में पापा का नाम रुद्रा रखा गया। अगर आंख बड़ी करके भी देख लेते हैं ना तो पूरी फैमिली थर 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 कांपती है। ये ले जला। अभी खा खा के एक क्विंटल हो गया है तू, ऐसे ही खाता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर होके घर के सामने ही धुआं निकलता रहेगा, देखना पूरा शरीर खराब कर लिया। आगे क्या करेगा क्या पता, आगे की बात ही खत्म हो जाती है। चुपचाप चाय पियो और चलो। कलर सब अपनी तरफ आ रहे हैं, एक काम कर, जाकर पिंक वाले को टच करके आ। अपुन से नहीं होगा भाई, और तुमसे भी नहीं होने वाला। मुझसे नहीं होगा, देख मैं सबको टच करके आऊंगा, वेट एंड सी। ठीक है भाई, आज हम भी देख लेते हैं। देख मैं क्या करता हूँ। आई लव यू। ये देखा ना, कैसे टच किया मैंने। ए मंजू, लेगा क्या? सिगरेट पकड़, मैं भी आता हूँ। हाँ? क्या संतु, हाँ? क्या हो गया इसको?
ये कौन है भाई? अपने एरिया में आके अपने को ही घूर रहा है। अबे यही रुको, मैं देखता हूँ। क्यों बेटा, क्या है तेरी प्रॉब्लम? कौन है तू? अपुन के एरिया में आके अपुन के भाई को मारता है। ए, चलो सब लोग चलो। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो उसे। उ, उ, उ,